नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप के बारे में और किस तरह से ये फंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। और सिर्फ मैं लास्ट क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, इसने काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज करे हैं मेरे भी। और इस फंड को लेकर उतना ज़्यादा मतलब पता क्या, ऑन ऑफ वाली चीज़ थी तो थोड़ा सा डाउटफुल रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, तो चलिए वो उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि ये फंड कंसिस्टेंट है। एनुअली देखेंगे, क्वार्टरली देखेंगे, और देन उसके बाद इसको बढ़िया बढ़िया फंड से कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे एक ऐसा खुलासा जो आपको ये बताएगा कि टाटा स्मॉल कैप में गड़बड़ क्या है, क्यों ये बाकी उसे बेटर रिटर्न दे रहा है। अगर वो चीज़ आप समझ गए ना, तो लेने से पहले शायद एक बार तो सोचोगे, जो कि सोचना चाहिए। उसके बाद देखो, डिसाइड हम कर सकते हैं कि ये चीज़ के बाद किन लोगों को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और लास्ट में जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि 10% तो इसका एक्सपोज़र होना चाहिए, जब भी अगर मैं लमसम या SIP बढ़ाता हूँ तो शायद मैं टाटा में बढ़ाने की सोचूंगा। मैं पर्सनल की बता रहा हूँ, तो उसका रीज़न भी मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा कि मैं क्यों लेने की सोच रहा हूँ। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, चलते हैं वीडियो के अंदर। बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे, इन कलर्स को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं बहुत आराम से समझाता हूँ। ऊपर यहाँ देख लो, ये टाटा स्मॉल कैप, सिर्फ एक कलर पे ध्यान दो, ब्लू कलर पे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। टाटा स्मॉल कैप दिख रहा है यहाँ पे, ये 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, तो 2018 में आया ये फंड, जब इसने 3% रिटर्न दिए, तब इस पर मैंने नज़र नहीं मारी ज़्यादा डिटेल में। रीज़न क्योंकि हमें पता था कि ये फंड अच्छा करेगा, रीज़न क्योंकि एक तो टाटा का नाम जुड़ जाता है और इनके फंड मैनेजर अच्छे थे, तो हमें उम्मीद थी कि ये अच्छा करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में सब करते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब जब जिसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो क्यों ऐड करना। नेक्स्ट ईयर भी इसने 4% रिटर्न निकाले, जो कि अच्छे थे, लेकिन ये 4% रिटर्न गायब, मतलब ये फंड कभी नाम में नहीं आया, क्योंकि 20%, 6%, 12% और ऊपर 5%, 7% वाले फंड थे, तो ये कहीं बीच में रह गया। ये उन फंड्स में भी नहीं था जो भाई साहब गिर गए बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि मैं अगर आपको ऊपर जाके दिखाऊँ ना, तो -26 भी है हमारे पास, -10, -12, इतना तक गिर जाते हैं स्मॉल कैप। जो बढ़िया स्मॉल कैप थे वो गिरे भी थे इतना। तो 25% अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, तो यहाँ पे ये फिर अंडर परफॉर्म किया इसने। ओके, अब अंडर परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली बात है कौन ध्यान देगा, और पिछले 2 सालों में टॉप पे तो था नहीं, तो नाम तो वैसे भी सामने नहीं आना, और हम ट्रैक भी करने लग गए 3 साल बाद तो भी कुछ ऐसा सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, इधर इसने 71% रिटर्न जरूर दिए, उस टाइम पे 88% रिटर्न, 77%, 75 वाले फंड्स थे, जिससे ये टॉप 5 में भी नहीं था। लेकिन हाँ, 71 भी कम नहीं थे कंपेरेटिवली, जब कैटेगरी एवरेज आपका 55 बन रहा हो, तो नज़र में तो आ गया था कि ये फंड अच्छा कर रहा है। लेकिन तब तक फिर अगले साल क्वांट आया, और क्वांट ने जो तूफान मचाया पिछले 2-3 सालों में वो ज़बरदस्त था। ओके, उस टाइम पे सारा फोकस क्वांट पे शिफ्ट हुआ और ये लाइमलाइट से फिर से साइड हो गया। लेकिन ये फंड वन ऑफ द रेयर फंड था जो आप ये मान के चलो 2022 में स्मॉल कैप कैटेगरी में जिसने पॉजिटिव रिटर्न डबल डिजिट में दिए हों। पहली बार तब ये लाइमलाइट में आया, लोगों ने वीडियो बनाई, हमने तब भी वीडियो नहीं बनाई सच बताऊं तो, क्योंकि हमारे पास और बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे और 5 साल इसको कंप्लीट हुए थे जस्ट। वीडियो बनाना बनता था, लेकिन पिछले 5 साल का एवरेज कुछ खास दिख नहीं रहा था, और अगले साल फिर इसने अंडर परफॉर्म कर दिया। तो ये कभी उस तरह से मुझे मतलब जो विश्वास था इस फंड पे, तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये अगर परफॉर्म करता तो ये गेम चेंजर बन जाता, वहाँ वहाँ इसने थोड़ा थोड़ा अंडर परफॉर्म कर दिया। लेकिन अंडर परफॉर्म करते वक्त भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि घटिया फंड में से एक था, ये फिर बीच में रहा। लेकिन अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ कि इसने लास्ट 2024 की मार्केट में जब उथल पुथल हो रही है, उस मार्केट में कैसा किया, तो 1 साल, 2 साल, 3, 4 और 5, अगर मैं 2024 में ये मान लूँ कि ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर लेगा, तो ये 5 साल इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया। और अगर अगले 7 साल भी ये परफॉर्मेंस रिपीट करता है, जो कि थोड़ा सा अनलाइकली है किसी भी स्मॉल कैप के लिए, तो अच्छी बात है। अब ये लास्ट क्वार्टर में जहाँ पे मुझे लगा, ये लास्ट 3 क्वार्टर में बोलूँगा स्पेशली, जहाँ पे इसने हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज किया, जिस मार्केट में मुझे नहीं लगता था कि ये परफॉर्म कर पाएगा अच्छा, उस मार्केट में इसने परफॉर्म किया।
अब यहाँ पे निपोन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, SBI, बंधन, सबसे कंपेयर कर लो लास्ट वन ईयर में 50% रिटर्न। हाँ, बंधन देखो, ये फंड ना आप कभी नहीं ले सकते। देखो रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अब रीज़न क्या है कि आपने आज ये ले लिया, आपने तब बाय शुरू किया जब ये अपना पोटेंशियल दे चुका है, और पोटेंशियल के बाद अगर आप बाय करोगे तो यहाँ पे आपको 2-3% का अब बेनिफिट मिल रहा है। ये बेनिफिट ज़्यादा टाइम तक रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं पता। फंड के रिटर्न देने के बाद स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में उसे लेना उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 19% का रिटर्न बहुत सारे लोगों ने जनरेट कर लिया होगा। टाटा में फिर भी लोग एंट्री लेके बैठे हुए थे बहुत टाइम से, तो ये 50% बहुत से लोगों ने जनरेट कर लिया होगा, ये 70 नहीं किया होगा। पर अभी इसका AUM 8,800 समथिंग है, तो बहुत छोटा भी है कंपेरेटिवली SBI। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि रिटर्न्स बेशक इसके सबसे ज़्यादा ना हो लेकिन अल्फा सबसे ज़्यादा है। अब ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में या तो मुझे डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए या किसी वीडियो में समझाना चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इसमें इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इसके सेक्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल, ये एक मेजर रीज़न है जो मैं बार बार बोलता हूँ। मैं बोल रहा था ना कि इसको लेने का रीज़न बताऊंगा, तो ये रीज़न है। ना लेने का रीज़न बताऊं तो पहले वो उस पर बात कर लेते हैं, इसको सब स्किप करते हैं। ना लेने का रीज़न बता देता हूं मैं आपको, ये एक रीज़न हो सकता है ना लेने का, क्योंकि अभी ना ये रिटर्न्स पता है एक्स्ट्रा क्यों निकाल पा रहा है, क्योंकि ये फंड सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल रहा है, तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे दिख रहा है ना, मुझे नहीं लगता वो काम आएगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो ये बाकियों से ज़्यादा गिरने की उम्मीद है। अभी 2024 में इसने पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल के ये स्ट्रेटजी बहुत तगड़े तरीके से काम करी है, इसने लार्ज कैप की सेफ्टी को 0% रखा है। तो अब मुझे ये देखना है कि जब गिरती है मार्केट या मार्केट और ज़्यादा अपने आप को करेक्ट करती है, तो क्या ये अपने आप को संभाल पाएगा, तो वो देखना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अगर आप इसको ले रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो 10% ले लो इसको, मैक्स टू मैक्स 15% ले लो। कॉम्बिनेशन में इसको निपोन, क्वांट किसी के साथ भी रख सकते हैं। हाँ सही सुना, क्वांट 3-4 महीने ख़राब होने से कुछ नहीं होता, अभी वेट करो, अगर हुआ ख़राब तो साल बाद मैं खुद बोल दूंगा कि चर्निंग का टाइम आ गया है। और जिन लोगों को चर्निंग से दिक्कत होती है उन लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगा कि चर्निंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने, जैसे मैंने बोला ना, इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो कम है, तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कम्प्लीटली नया बाय किया हो, ऑलरेडी था उसी में नई बाइंग हुई है। सेम यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें कम्प्लीटली सेल आउट हुआ है, सब में बस पोर्शन कम हुआ है। केमिकल इनका थर्ड हाईएस्ट सेक्टर बन चुका है धीरे धीरे करते करते, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, होपफुली वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।